विद्यार्थियों, आज हम एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है का सत्यापन करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे इस क्रिया कलाप को करने के लिए सर्वप्रथम हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं तथा उस पर किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं मान लीजिए यह त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है फिर हम इस वृत्त पर चार बिंदु ए बी सी और डी लेते हैं इसके बाद हम ए बी बी सी सी डी और डीए को मिलाते हैं इस प्रकार हमें एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया है अब हम कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी को लेते हैं रंगीन चार्ट पेपर की सहायता से हम कोण ए का कटआउट इस प्रकार बनाते हैं कोण बी कोण सी और कोण डी के कटआउट इस प्रकार बनाते हैं हमें सत्यापित करना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं इसीलिए हम यहां से कोण ए और कोण सी उठाते हैं और यह सत्यापित करने के लिए इनका योग 180 डिग्री है इन्हें एक सरल रेखा पर रखते हैं यहां देखिए आप क्या देखते हैं यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक रैखिक युग्म बना रहे हैं इसलिए कोण ए और कोण सी का योग 180 डिग्री है इसी प्रकार हम कोण डी और कोण बी के लिए भी इसकी जांच कर सकते हैं हम देखते हैं कि यह भी एक रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए कोण बी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री है इस प्रकार हमने सत्यापित कर लिया है कि कोण ए जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री है अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसी प्रकार इस क्रियाकलाप के द्वारा हम एक और गुण का सत्यापन कर सकते हैं जो चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण के बारे में है यहाँ हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है तथा हम डीसी को बिंदु ई तक बढ़ा रहे हैं जिससे बहिष्कोण BCE बनता है हमें सत्यापित करना है कि कोण A बहिष्कोण BCE के बराबर है हम इसे कैसे करेंगे हम यहां से कोण A को उठाते हैं यह कोण A है तथा हम इसे कोण सी से सटा कर रखते हैं हम यहाँ क्या देखते हैं हाँ कोण सी और बहिष्कोण दोनों मिलकर एक रैखिक युग्म बनाते हैं तथा इनका योग 180 डिग्री है यहाँ इसकी भी पुष्टि हो रही है कोण ए बहिष्कोण बी सी ई के बराबर है कोणों के अन्य युग्मों के लिए भी इसका सत्यापन किया जा सकता है यहाँ हमारे पास कोण डी है हम कोण डी की प्रतिलिपि को उठाकर कोण बी से सटाकर रखते हैं जिससे बहिष्कोण ए बी एफ बन रहा है इससे हमने चक्रीय चतुर्भुज का एक और गुण सत्यापित कर लिया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंत विपरीत कोणों के बराबर होता है जो यहाँ कोण D है इस प्रकार हमने सत्यापित कर लिया है कि बहिष्कोण B C E कोण A के बराबर है इसी प्रकार हमने दर्शाया है कि बहिष्कोण ए बी एफ कोण डी के बराबर है इस प्रकार साथियों हमने एक क्रियाकलाप द्वारा सत्यापित किया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं हमने यह भी सत्यापित किया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के लिए बहिष्कोण सदैव अंत विपरीत कोण के बराबर होता है धन्यवाद